हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार के वीडियो में। दोस्तों, कोरोना से लड़ाई को लेकर सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसके साथ ही हर डॉक्टर भी जो है हर तरह की दवाएं और कोशिश अपने अख्तियार पर कोशिश कर रही है कि कैसे कोरोना से लड़ा जाए। डॉक्टर, नर्स, हमारे देश के साइंटिस्ट वगैरह भी जो है काफ़ी एक्टिव है और ये देख रहे हैं कि कैसे कोरोना से जो निजात पाया जाए। बता दें दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड 19 को ट्रैक करने वाले एक ऐप लॉन्च कर दिया है। बता दें कि यह ऐप अभी बीटा वर्जन में आया है, अभी इस ऐप पर काम चल रहा है। हमने इस ऐप के अपने फ़ोन में डाउनलोड किया, देखा कि आखिर यह ऐप कैसे काम करता है। कोरोना वायरस को ट्रैक करने के वाला यह ऐप अभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। तो बात करें दोस्तों कि आप अगर इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में तो किस तरह ये काम करता है, आइए हम आगे बताते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दें, कोरोना कवच ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप यूजर को लोकेशन ट्रैक करता है और फिर बताता है कि वो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से संपर्क में तो नहीं आया है। ऐसे में ऐप को इस्तेमाल करने का बेहद आसान, यह आपसे सांस लेने में दिक्कत या आपका तापमान, ट्रेवल हिस्ट्री बताएं संबंधित सवाल पूछता है। तो आइए आपको बता दें कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दोस्तों, सबसे पहले कोरोना कवच ऐप खोलें। आपको एक स्क्रीन दिखेगा जिस पर लिखा होता है कि ये ऐप कैसे या MHFW द्वारा बनाया गया है। ऐप की अगली कुछ स्क्रीन पर टैप करने के बाद यहां आपको आपकी लोकेशन ट्रैक करेगी, परमिशन मांगता है। इसके अलावा आपकी डिवाइस पर फाइल एक्सेस करने के परमिशन भी मांगी जाती है। सबसे बाद में यह ऐप यूजर से उसके मोबाइल पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड OTP के साथ रजिस्टर करने को कहता है। ऐप में होम पेज पर आपको कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, ठीक हो चुके लोगों की संख्या और मौतें से जुड़ी बेसिक जानकारी मिलती है। आप मेन्यू में जाकर अपना स्टेटस जानने के लिए सवालों को एक लिस्ट भी फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कोरोना कवच एप्लीकेशन के लोगों पर क्लिक करके एक घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। यह काउंटडाउन बताएगा कि आपको लोकेशन कब तक ट्रैक की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिनका स्टेटस संक्रमित तौर पर सेट है, ऐसे में ऐप एक अलर्ट भेज सकता है। फिलहाल कोरोना कवच के बारे में यह जानकारी है जिससे आप जान सकते हैं कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का भी बटन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।